हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बोडे प्लॉट ड्रॉ करेंगे सेकंड ऑर्डर पोल्स के लिए। तो देखिए, जब भी हम किसी ट्रांसफर फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के टर्म्स आते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें फर्स्ट ऑर्डर पोल, फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो, सिंपल पोल, सिंपल ज़ीरो, ये सारे के बोडे प्लॉट हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे बोडे प्लॉट फॉर बोडे प्लॉट फॉर सेकेंड ऑर्डर पोल्स। तो देखिए, बोडे प्लॉट फॉर सेकेंड ऑर्डर पोल्स का मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए, अगर हमारे पास जो लेट जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, ये इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। इस तरह की टर्म अगर है तो अब हमने कहा पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। अगर ये हम रख देंगे यहाँ पे तो जो हमारा जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा आएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा हमारा ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन जे ओमेगा इनटू ओमेगा एन का स्क्वायर। अगर मान लीजिए ऊपर नीचे हम ओमेगा एस से डिवाइड कर देंगे ओमेगा एन स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस टू जे जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, इस फॉर्म में आ जाएगा हमारा। अब इसके अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया टू जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या होता है कि एस जी जी एस एच एस इज ए सेकेंड ऑर्डर फैक्टर अप्रॉक्सीमेट बोडे मैग्नेटो प्लॉट इज ड्रॉन एज, तो अब चूंकि ये देखिए ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर फैक्टर है, तो इसका अगर हम अप्रॉक्सीमेट बोडे मैग्नेटो प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो उसमें दो केस होंगे। पहला क्या, ये आएगा जीरो डी बी, कब, जब ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी है ओमेगा एन से। तो जब ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी है ओमेगा एन से तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन कितना हो जाएगा, लगभग ये निजलेबल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जीरो डीबी आ जाएगा। और सेकंड केस क्या है कि ये आएगा माइनस का 40 डीबी पर डिकेड फॉर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑल्सो वी हैव टू डू नेसेसरी एरर कोरेक्शन एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जीटा द बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर वन अपॉन वन प्लस जे ओमेगा अपॉन 50 कैन बी शोन एज एन एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होगा आपका कि इस तरह से ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एन के लिए जीरो डीबी हो जाएगा और ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन के लिए माइनस का 40 डीबी पर डिकेड की लाइन आ जाएगी, ठीक है। अभी इसको हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या है आपका कि फेज एंगल, तो फेज एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए फेज एंगल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा
फेज एंगल। अब फेज एंगल हमें मालूम है कि सेकेंड ऑर्डर टर्म के लिए क्या हो जाएगा, फाई ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। एक तरह से ये आ गया आपका फाइव ओमेगा इज इक्वल टू हो गया माइनस का टेन इनवर्स टू जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन डिवाइडेड बाय वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जो इसमें एरर आएगी अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं एरर इन अप्रोक्सीमेशन, इसको आप लिख सकते हैं एरर इन अप्रोक्सीमेशन। ये कैसे निकालेंगे, ये सिंपली हमें मालूम है कि एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन मॉड ऑफ इज इक्वल टू या इसको आप लिख सकते हैं एट ओमेगा इक्वल टू, ये तो अलग यहाँ पे लिख दिया आपने, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वन अपॉन अंडर रूट फोर जीटा स्क्वायर, यानी एक तरह से ये आ गया वन अपॉन टू जीटा। तो इसलिए मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इन डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 20 लॉग वन अपॉन टू जीटा। इसका मतलब क्या है कि जो एरर है वो डिपेंड करेगी जीटा पे। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर इसमें लिखते हैं कि दिस एरर डिपेंड्स ऑन जीटा, मतलब अगर मान लीजिए हम डिफरेंट डिफरेंट जीटा की वैल्यू के लिए हम एरर भी निकाल सकते हैं और उसको ड्रॉ भी करेंगे। तो देखिए एरर निकालने के पहले आप करेंगे सिंपली, आपने यहाँ क्या किया एक टेबल बना दी कि जीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ हमने लिख दिया जीटा, फिर हमने यहाँ पे लिखा मॉड ऑफ जी ओमेगा जे ओमेगा इन डी बी, तो यहाँ पे हमने लिखा मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इन डेसिबल और एरर, ठीक। और ड्रॉ कैसे करेंगे, तो वो यहाँ लिख देते हैं ड्रॉन एज, ड्रॉन एज। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, जीटा की अलग अलग वैल्यू लिखिए। सपोज कीजिए हमने पहली वैल्यू ली जीटा की 0.1, फिर हमने कहा 0.2, फिर हमने कहा 0.3, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर दिए जाएंगे 0.4 और 1.0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा प्लस का 13.97, ऐसे इसको कैलकुलेट करें आएंगे प्लस का 7.95, ये आ जाएगा प्लस का 4.43, ये आ जाएगा प्लस का 1.93 और 0.5 पे आ जाएगा ये 0 dB। फिर ये हो गया माइनस का 1.58, फिर आ गया माइनस का 2.92, फिर आ जाएगा माइनस का 4.08, फिर आ गया आपका माइनस का 5.1, और फिर आ गया माइनस का 6.02 dB। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए प्लस का 13.96 dB है,
चूंकि प्लस है तो इसको हम लिखेंगे 13.97 dB, और प्लस है तो इसको लिखेंगे अप। ठीक, ये 7.95 dB अप, ये 4.43 dB, ये सब अप डायरेक्शन में जाएंगे। फिर ये भी अप पे जाएगा, 0 dB पे ये नील हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये फिर 1.58 dB डाउन, सिमिलरली 2.92 dB डाउन, फिर 4.08 dB डाउन, फिर 5.1, ये भी डाउन, और माइनस 6.02, तो ये भी हो जाएगा dB डाउन। और ऐसे जब आप निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन पे, तो एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन टेन फाइव कितना आ जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज निकाल के हम बड़े आराम से इसका बोर्डे प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर पोल्स के लिए। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं सेकेंड, इस वाले सेकेंड ऑर्डर पोल का, तो वो भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको देखिए ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, पहले आप इधर आइए। जैसे मान लीजिए हमने ये किया, ये वर्टिकल एक्सिस लिया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस पे सपोज कीजिए हमने कहा ये हो गया आपका, ये हो गई 0 dB लाइन। ठीक, उसके बाद -10, उसके बाद -20 dB, फिर ऐसे ही इधर प्लस का 10, प्लस का 20 dB। ठीक है, अब जीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले तो ओमेगा इक्वल टू मान लीजिए ये है, दिस इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन। पहले तो अप्रोक्सीमेट जो आएगा उसको आप ड्रॉ कीजिए। ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन पे माइनस का 40 dB पर डिकेड, ऐसे हो गया। तो मान लीजिए ये आ गया आपका माइनस का 40 dB पर डिकेड की लाइन हो गई। ये जो पॉइंट है ये है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन। अब इसके बाद क्या होगा कि जीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो जीटा इक्वल टू 0.1 से अगर हम शुरू करेंगे और 1 तक के लिए, तो देखिए ये जो वैल्यूज आएगी, मान लीजिए हमने किया जीटा इक्वल टू 0.1, ये तो आएगा आपका ऐसे ऐसे, इस तरह ये हो गया जीटा इक्वल टू 0.1, फिर 0.2 इस तरह, फिर हमने कहा 0.3 इस तरह, फिर 0.4 और इसमें इस तरह। ठीक है, और फिर जब एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये अंडर डैम्पिंग होने लगेगी, तो ये जो ग्राफ है वो फिर इस तरह आने लगेगा, इस तरह। तो ये हो गया आपका एक तरह से जीटा इक्वल टू 1।
और ये अप्रोक्सीमेशन से ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा ये तकरीबन हो जाएगा 6 dB। तो इस तरह से, और ये जो ग्राफ आ रहा है ये आप लिख सकते हैं इसको, दिस इज व्हाट, दिस इज अप्रोक्सीमेट प्लॉट, अप्रोक्सीमेट प्लॉट माइनस का 40 dB पर डिकेड। ठीक है, तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी सेकेंड ऑर्डर पोल के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड कर्व फॉर 1 upon 1 plus 2j zeta omega upon omega n minus omega upon omega n का स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये सेकेंड ऑर्डर पोल का बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।